तो कोई लेटेंसी नहीं आ रहा, कहने का मतलब ये है। लाइक बिना वायर के आप बजा रहे हो, ये है एक ट्रांसीवर जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप स्टेज शो करते हो या लाइव किक्स वगैरह करते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है जब हम गिटार प्ले करते हैं तो उसमें केबल की नीड होती है, केबल लगाना होता है, बट इससे आपको केबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लाइक यू डोंट नीड एनी केबल और कुछ भी नहीं चाहिए, एक रिसीवर होगा ठीक है, एक ट्रांसमीटर होगा, तो जस्ट यू नीड टू कनेक्ट देम अब एक स्पीकर में एक गिटार में और फिर बजाओ आराम से, कोई तार का झंझट नहीं कुछ नहीं। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, सब कुछ रहेगा। सो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 30K तक पहुँचाना है, इंस्टा में फॉलो करना है, शुभ्रपॉल 28 है, एंड इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट बॉक्स में, तो देख लेना। तो अभी हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग शुरू। तो ऐसा कुछ इसका पैकेजिंग आया है और यहाँ पे मैंने पहले चेक कर लिया था, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ऐसा आपको बॉक्स मिल जाता है हेड एंड का, यहाँ पे लिखा हुआ है ZHP11 ट्रांसीवर, और ऐसा इसका फ्रंट लुक है, इसका बैक साइड ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है इसमें। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं और हमें कुछ ऐसा मिलता है इसके अंदर का, ये क्या है, ये बैग मिला है हमें एक, चलो बढ़िया है, और इसके अंदर कुछ नहीं, इसको रखते साइड में। तो इसके अंदर कुछ है, पावर बैंक है क्या ये? नहीं पावर बैंक नहीं है, देखो क्या है इसके अंदर क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है एक केबल जो कि माइक्रो है आई थिंक, वो देख लेते हैं। सो दिस इज लाइक माइक्रो यूएसबी केबल, बट 1 USB 2 micro cable, लाइक एक USB का है ये ठीक है, और यहाँ पे आपको दो मिल जाता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये, इसमें एक्चुअली आपको दो मिलता है रिसीवर, तो दोनों को चार्ज कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली, एक ही बार में आप दोनों को चार्ज कर सकते हो, अगर आपको सिंगल करना है सिंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके मैनुअल है, ऐसा कुछ फ्रंट है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है हाउ टू ऑपरेट, तो ऐसा मैं आप लोग को दिखा दूँगा सही से। और ये रहा हमारा मेन यूनिट, तो इसमें हमारा दो रिसीव है, एक रिसीवर हमें मिल जाता है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, और यहाँ पे एक प्लास्टिक चढ़ी हुई है जिससे कि लाइक स्क्रैच वगैरह ना आए, आप इसको हटा भी सकते हो वैसे, और ऐसा इसका बैक साइड है, एंड आप इसको ना ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, ऐसे ये भी हो जाता है। ये बढ़िया चीज़ लगा मुझे, जब गिटार में डालोगे ना तो ऐसे डलेगा, तो अगर आप चाहते हो कहीं लग ना जाए तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। रिसीवर को ऑन करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, सिंपल वन क्लिक करना है, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी रेड दिखा रहा है, जब हम इसको ऑन करेंगे ट्रांसमीटर को तभी ऑटोमेटिकली इसमें ग्रीन आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, जैसे ऑन करूँगा ऑन हो गया, ऑफ ऑफ हो गया ठीक है, और इसको ऑफ करने के लिए बस और एक बार क्लिक करना है, ऑफ हो गया, ऑन करने के लिए वन टाइम, ऑफ करने के लिए भी वन टाइम है। ये हो गया इसका रिसीवर का, जस्ट इसको क्या करना है आपको एम्पलीफायर में कनेक्ट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह स्पीकर के साथ कनेक्ट करके एंड गिटार के साथ भी, और ऐसा कुछ है बस इसमें, और कुछ फंक्शंस नहीं मिलते। अभी हम आ जाते हैं इसमें ट्रांसमीटर में, तो ये जाएगा हमारा गिटार में, एक तो गिटार का सिंबल भी बना हुआ है उधर, स्पीकर का सिंबल बना हुआ है, रिसीवर लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होना और अलग में नहीं डालना इसको ठीक है। सो इसको ऑन करने के लिए यू नीड टू लॉन्ग प्रेस, तो ऐसा किया तो ये ऑन हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा बैटरी का इंडिकेशन भी दिख रहा है। तो इन दोनों में आपको इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है, तो इससे क्या होता है ना, लाइक आपको बैटरी डालना नहीं पड़ेगा या उस बैटरी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा उतना। सो जस्ट इसको चार्ज करना है, चार्ज का भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सो ऑन किया था हमने, जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना फिर ये जो चीज़ है ना ये हट जाएगा, अब ऑटोमेटिकली ये यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ बैटरी का इंडिकेशन दिखेगा जैसे आपको दिख रहा था ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो CH और CH लिखा हुआ है, माइनस एंड प्लस, तो इससे क्या होता है वॉल्यूम आपका कम ज़्यादा होता है, माइनस करोगे तो कम हो जाएगा, प्लस दबाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो वो लाइट ऑफ हो गया, बस बैटरी का इंडिकेशन दिख रहा है। नाउ जैसे मुझे अभी वॉल्यूम बढ़ाना है, तो अभी वॉल्यूम जीरो वो है, टू में है, ये 3, 4, 5, 9 तक है, कम करना है इतने तक, आपका 1 से शुरू हो जाता है।
अगर आपको उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना है सो यू नीड टू होल्ड इट, सी एच वाला प्लस वाला कोई भी, इसको होल्ड करो और ये आ गया फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए 11, ये अप टू 30 तक जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ 99 30, हाँ 30 के बाद तो फिर से वही आ गया। अगर आपको वॉल्यूम का करना है तो आपको क्या करना है, ये आएगा उसके बाद आपको जस्ट न्यू यूनिट टू प्रेस इट होल्ड, फिर आ गया हमारा चीज, फिर से हमारा वॉल्यूम काम करना शुरू हो जाएगा। यहाँ बैटरी का इंडिकेशन है, नेटवर्क का इसमें दिखा रहा है, आई थिंक ये ऐसा ही कुछ होगा एंड ऐसा कुछ है इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है इनका चार्जिंग पोर्ट, एक इस तरफ है ठीक है, और एक इनका रिसीवर में इस तरफ है ठीक है, और इनका ये एंटीनास है, और आप इसको ऐसा करके यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इजी टू यूज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो नाउ सी इसका चार्जिंग का कैसा सिस्टम है, ये हम इसमें डालते हैं ठीक है, और जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट का इंडिकेशन शुरू हो जाएगा, ये देखो ब्लू का मतलब है चार्जिंग हो रहा है। सो जैसे ही ये ब्लू लाइट ऑफ हो जाएगा तो आपका ये चार्ज फुल हो जाएगा, तो इसमें आपको ऑटो कट ऑफ मिल जाता है जिससे कि आपका बैटरी ना फुले, आपको ये लगभग 5 से 6 घंटा बैकअप दे देगा अगर आप इसको फुल चार्ज करोगे तो। एंड नाउ चेक दिस डिवाइस, तो मैंने अभी गिटार ले लिया है और ये रहा एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर, तो रिसीवर को हम कनेक्ट करेंगे एम्प में, और ये जो एम्प है मेरे पास फेंडर का फ्रंट मैन 10G इनपुट में डाल देंगे, तो देख सकते हो ऑन हो गया ये, और जब आप डालोगे ना इसको, इसको ऑन मत करना ठीक है, इसको मतलब लाइक रिसीवर को ऑन नहीं करना, जैसे मैंने अभी देखो ये मैंने ऑफ कर रखा है ठीक है, वन क्लिक है, बस एक बार क्लिक करना ऑन हो जाएगा, बट आपको बस इसको जो यहाँ पे लगा देना है ठीक है, देन आपको इसको ऑन कर भी कर सकते हो, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा अभी 8 पे सेट है ठीक है, इसको ऑन करके हमें लगा देना है इसके अंदर, तो ये मैंने इसके अंदर डाला, और मैंने जैसे बताया था इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका एंटीना कहीं पे भी रहे, एक्चुअली ये सेमी एकोस्टिक गिटार है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम में मिल जाता है। सो अभी मेरा ये वॉल्यूम कम है और यहाँ से मैंने इसको ऑन नहीं किया, और इसमें जो वॉल्यूम है वो 4 है, तो अभी मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, कर दिया है ऑन, तो अभी जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है इस गिटार का, करते इसको ऑन यहाँ से, अभी हम थोड़ा बेस देख लेते इसका, बेस फुल ठीक है, नाउ चेक ट्रेवल, अभी ट्रेवल 50 में है, क्या क्लियर है, बेल्ट है मैंने इसको यहाँ पे पहना, आई थिंक माइक भी यहाँ पे फिट है ना, तो उसमें आपको दिखा था, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं वायर से कर रहा हूँ ना, बट ऐसा नहीं है, ये देखो ये मैंने यहाँ पे किया कनेक्ट, दिख रहा हूँ ठीक है, कहीं पे भी जाओ आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, कोई वायर नहीं है कुछ नहीं है, आप ऐसे करके कहीं पर भी प्ले कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया हो जाता है, लाइक बिना वायर के आप बजा रहे हो, मतलब कहीं भी जा सकते हो आप, और इसका जो मीटर रेंज है ना वो आपका लगभग 30 से 40 मीटर तक रहेगा, और कहीं भी अगर मैं प्रोग्राम में जाऊंगा ना, शोज़ वगैरह में जाऊंगा, तो एक बार ट्राई करूंगा कोई एक वीडियो बनाने का, तो आप लोग को अच्छी तरह पता चल जाएगा कैसे ये काम करता है। अभी तो घर पर है तो उतना हम लोग जा नहीं सकते दूर, ऐसा होता है ना कभी कभी कट हो जाता है, जैसे ब्लूटूथ में होता है ना कभी कभार, तो रिस्पॉन्स देख रहे हो, मतलब एक जैसे मैं बजा रहा हूँ तो कोई लेटेंसी नहीं आ रहा, कहने का मतलब ये है
एम से आ रहा है, ये मेरा ऑफ कर दिया वॉल्यूम। एम तो ये था इसका साउंड टेस्ट, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि कैसा इसका साउंड क्वालिटी दे रहा है और कैसे इसकी क्वालिटी है। और जैक से भी ऐसे ही क्वालिटी आता है। अगर आपको जैक वाला देखना है तो इसका मैंने रिव्यू वीडियो बना रखा है, उसमें देख सकते हो, या एक मैंने अभी रिसेंटली डाला है वीडियो सेमी यूकुलेले वर्सेस यूकुलेले का, और एक सेमी यूकुलेले का भी रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। न्यू वीडियो है और मुझे काफ़ी सही लगा, लाइक इसका ना बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है, मैं जैसे बजा रहा हूँ वैसे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक लग रहा है कि केबल से बजा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम देखेंगे गिग में अगर कहीं बजाए तो, कीबोर्ड में भी तो केबल लगती है ना, ऑक्टोबोर्ड में भी कर सकते हो। ओके, देन आप इसको ऑडियो इंटरफेस में भी कर सकते हो, जहाँ पे आपका 6.5 mm रहता है ना वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, लाइक जहाँ पे केबल का यूज़ होता है ना, लाइक TS टू TS केबल जो होता है, ये TS वाला है, ठीक है, TS टू TS जो केबल होता है ना उसमें आप ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन बिकॉज दिस इज़ अ केबल ना, बस वायरलेस हो गया ये। और इसका जो प्राइस है वो है 2500 का, जो कि ठीक है, आप देख लेना अमेजोन पे ना अप डाउन होता रहता है प्राइस का। और इसी तरह के ना और भी तरह का ट्रांसीवर मिलता है गिटार के लिए, बट उनके जो प्राइस है वो हाई है, लाइक 3000, 3500, 4, 5 तक जाता है। एक तो मैंने देखा था 10 तक होता है, आई थिंक कुछ अलग फीचर्स वगैरह होगा इसीलिए इतना दे रहे हैं। बट अगर आपको एक नॉर्मल रेट में एक चाहिए अच्छा प्रोडक्ट तो आप ये ले सकते हो। और अगर आपको परचेस करना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट बॉक्स में, देख लेना, डायरेक्ट आप अमेजोन पे चले जाओगे। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर।